हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? आए सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप की मदद से आप अपने शॉर्ट वीडियोस मतलब यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को कैसे आप अपलोड कर सकते हो। मोबाइल में करना तो बहुत ही आसान है, बट अगर आप पीसी या लैपटॉप के अंदर इसको अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट का कोई सेक्शन नहीं मिलता, मतलब अलग से कोई अपलोड शॉर्ट्स करके कोई सेक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हो कि कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स को पीसी या फिर लैपटॉप से अपलोड करें। मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे आप में से जो पीसी या फिर लैपटॉप से एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करने के टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कैसे आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप से बहुत आसान तरीके से अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे बाद में जाके प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। तो चलिए लेट्स बिगिन। पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर आप लोग अगर यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो तो आपको चीज का ख्याल आपको रखना होगा। नंबर वन, आपका वीडियो का लेंथ 1 मिनट से कम होना चाहिए, और दूसरा 16:9 रेशियो के अंदर वीडियो होना चाहिए। अगर आप लोग ये दो स्टेप को फॉलो करते हो तो आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप से बहुत आसानी से यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो। तो कैसे करना है, चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन को चले जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपके पास लैपटॉप हो या फिर पीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर प्रोसेसर सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, तो पहले मैं इसका ऑडियो को कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो है जिसको हम अपलोड करेंगे। देखो, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए देखो इसका लेंथ कितना है, लगभग 12 सेकंड के आसपास इसका लेंथ है, ठीक है। आपको अगर पीसी लैपटॉप से कोई वीडियो अपलोड करना है तो आपका 60 सेकंड से लेंथ कम होना चाहिए, और ऐसे एक वर्टिकल पोजिशन के अंदर आपका वीडियो होना चाहिए, तभी आप पीसी या लैपटॉप से वीडियो अपलोड करवाएंगे शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो मैंने जस्ट यहाँ पर ओपन ही किया है, मैंने यहाँ पर एक न्यू चैनल किया है, इसलिए यूट्यूब स्टूडियो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपका पुराना चैनल है तो यूट्यूब स्टूडियो थोड़ा अलग लग सकता है। न्यू चैनल ओपन करने के बाद ऐसा यूट्यूब स्टूडियो आता है आपके सामने। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना तो कैसे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर जब अपलोड का ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर अपलोड वीडियोज का ऑप्शन है, गो लाइव का ऑप्शन है, न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, न्यू पॉडकास्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पर कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं करे। तो कैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो, देखो भाई, इसका करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को वीडियो को अपलोड करना हो, कैसे करना है, मैं सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन में जाके अपलोड वीडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप द वीडियो फाइल, जिसको आप लोग अपलोड करना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर से जाकर वीडियो को सिलेक्ट करो, अपलोड हो जाएगा। तो मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं पहले। तो मेरा वीडियो ए वाला वीडियो था जिसको मैं अपलोड करना चाहता था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और देखो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद देखो ये अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपलोडिंग थोड़ी देर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपको बता देता हूँ, अगर आपका वीडियो शॉर्ट के अंदर अपलोड हुआ है फिर नहीं है, इसको जानने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, इस थंबनेल का ऑप्शन के ऊपर चले आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉर नाउ यू कांट चेंज द थंबनेल ऑन योर शॉर्ट। अगर आपका वीडियो शॉर्ट में अपलोड हुआ ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के अंदर अभी तक कोई भी आप थंबनेल आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा पॉपअप शो कर रहा है तो भाई आपका वीडियो शॉर्ट के अंदर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भाई आपका वीडियो शॉर्ट के अंदर अपलोड नहीं हुआ है। इसको डबल चेक करने के लिए सिंपली आप एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप पॉज भी कर दोगे तो वीडियो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंटेंट के अंदर चले आता हूँ। देखो वीडियो अपलोड तो कंप्लीट हो गया, ये बात देखो यहाँ पर शॉर्ट का एक ऑप्शन आपको शो कर रहा है। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है, आपके वीडियो के नीचे ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपका वीडियो 110% शॉर्ट के अंदर ही अपलोड हुआ है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंपली आप इसका टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, उसके बाद आप इसको अपलोड कर दो। अभी भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद ऐसे अपलोड मत कर देना, कुछ देर वेट करो, जब तक ये पॉजिंग वाला कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वीडियो अपलोड मत करना, ठीक है। इससे आपका ऑडियंस के पास अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं जाएगा और आपका शॉर्ट वीडियो ज्यादा नहीं चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी से अपने शॉर्ट वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। नॉर्मली आप जैसे लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो, सिंपली शॉर्ट वीडियोस को ऐसे ही अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आई होप लोगों को वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जो है सेट कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। और आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।